तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज परिसर में 7 मार्च को जेआरडी टाटा सभागार में स्नातक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गोंडवाना विश्वविद्यालय एवं आरटीएमएनयू विश्वविद्यालय नागपुर के कुलाधिपति बुकारे और टाटा एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी सेंटर और आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी नागपुर के प्रमुख अरविंद कुमार उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में महाविद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं डिग्री देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे सभी विभागों से कुल 202 स्नातक छात्र को सम्मानित किया जाएगा। मैं प्रगति पाटिल, उप प्राचार्य तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर से। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है 7 मार्च 2024 को। ये पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी रहेगा क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो 2021 में ऑटोनोमस हुआ है और इसके चलते जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं 5 एमटेक के प्लस एमबीए और एमसीए, इसके जो बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 202 स्टूडेंट्स ये ग्रेजुएट हो चुके हैं और इनको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन प्लस गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, देन ब्रॉन्ज मेडल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी पे होने वाला है। इसके लिए प्रमुख अतिथि करके नागपुर यूनिवर्सिटी प्लस गोंडवाना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर प्रशांत बोकारे सर, इनकी उपस्थिति रहने वाली है। साथ में ही TCS के हेड हैं अरविंद कुमार, वो भी रहने वाले हैं। आरटीएमएनयू के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर हिवसे, ये भी वहाँ पे प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्शाने वाले हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।